एक्सरसाइज प्लस कार्डियो इट्स गुड और बैड। मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि कार्डियो करने से आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, कार्डियो करोगे तो मसल गेन नहीं होगा। ये किस हद तक सच है या झूठ है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। वेलकम टू आचिको फिटनेस। पहले तो मैं आपको वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों के बेनिफिट बताऊंगा और फिर उनको कंबाइन करने से क्या होगा आपकी बॉडी में, इस बारे में हम डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो पहले चलते हैं वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग की अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं, बोन की डेंसिटी अच्छी होती है, जॉइंट्स इंप्रूव होते हैं। अगर मसल्स की बात करो तो डेफिनेटली अगर आपका डाइट जगह पे न्यूट्रिशन अच्छा है, सप्लीमेंट्स आप कंज्यूम कर रहे हो तो मसल गेनिंग में भी काफी हेल्प करता है। अगर उसका मसल गेनिंग में हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, जिसकी वजह से आपका BMR इंप्रूव होगा। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके बढ़ने से और कम होने से आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। अगर आपका BMR हाई हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज लोअर साइड में रहेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि BMR को मेंटेन करने के लिए ऐसा ना हो कि आप खाली वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल बढ़ा रहे हो, लेकिन डाइट पर फोकस ना कर रहे हो। आपको डाइट के ऊपर भी एक्स्ट्रा फोकस रखना होगा। अगर आप एक्सेस खाओगे तो आपकी बॉडी वहीं के वहीं रहेगी। आपको ध्यान रखना है जो बॉडी को ग्रो होने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट आपकी डेली रूटीन के लिए कार्बोहाइड्रेट की, आप उतना ही खाओ। एक्सेस खाओगे BMR बढ़ने के बाद भी कोई बेनिफिट आपको नहीं दिखाई देगा, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब मैं आपको दूसरा और एक बेनिफिट बताता हूँ, हार्मोनल स्टेबिलिटी एंड गुड हार्मोन बैलेंस। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, स्पेशली गाइस, उनका आप देखोगे कि मसल मास परफेक्ट ग्रो होने लगता है बिकॉज ऑफ नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में आप देखोगे जो हार्मोनल इनस्टेबिलिटी आती है, पीरियड्स ड्यू हो जाते हैं या तो फिर प्रीपॉन्ड हो जाते हैं, डायबिटीज के इश्यूज हो गए, ये सारे इश्यूज आपको वेट ट्रेनिंग में बहुत ही जल्दी रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। वेट ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट यही है कि आपको हार्मोनल स्टेबिलिटी काफी फास्ट देखने मिलती है। ये तो थे कुछ बेनिफिट्स जो वेट ट्रेनिंग के थे। अब मैं आपको बताऊंगा कार्डियो। कार्डियो से सबसे पहला तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है, जैसे हार्ट रिलेटेड, हार्ट स्ट्रोक, ये सब बीमारियों का जो रिस्क फैक्टर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो आपको कार्डियो तो हर हाल में करना है। तो जैसे मैंने स्केलेटन सिस्टम की बात की थी, तो यहाँ पे कार्डियो का कोई ज्यादा इम्पैक्ट या कोई रिजल्ट तो नहीं देखा गया बोन डेंसिटी के इम्प्रूव होने में। लेकिन मैं आपको मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करूँ तो आपके मसल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर आपने कार्डियो रखा है तो काफी हद तक अच्छी तरीके से होगा। अगर आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छी है, मतलब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज हमारी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिशन, जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है वो ब्लड के थ्रू होती है, तो आपके मसल की जितनी जो भी डिमांड रहेगी वो उन तक इजीली पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होने की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। अब तक जो मैंने आपको बताया इससे सिर्फ बॉडी को बेनिफिट्स मिलने वाले थे, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा मैं मेंटल बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ। जब आप वर्कआउट या कार्डियो या किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हो, बॉडी आपकी एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि एंजाइटी डिप्रेशन से फाइट बैक करने के लिए सबसे बेस्ट वे है। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे एक सवाल किया था, एक्सरसाइज प्लस कार्डियो इज गुड और बैड फॉर बॉडी। एक्सरसाइज है, वेट ट्रेनिंग है, वो आपके मसल को बढ़ाने में हेल्प करेगी, आपके फैट रिडक्शन में आपकी हेल्प करेगी अगर आप डाइट का बराबर से ध्यान दोगे तो। ऑन दी अदर हैंड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, एंड्योरेंस मेंटेन करेगा, और साथ ही साथ में मसल अच्छे से रिकवर हो, उनकी रिपेयरिंग अच्छे से हो, उनका ग्रोथ डेवलपमेंट सब चीज़ फास्टर हो, उस चीज़ का ध्यान रखेगा बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी। तो जो लोग कहते हैं कि कार्डियो और एक्सरसाइज दोनों को साथ में नहीं करना चाहिए या दोनों को कंबाइन नहीं करना चाहिए, गलत कहते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कआउट एंड फॉर योर हेल्थ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद हाचिको फिटनेस।